लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर है। उसने 3 दिनों तक घर में 10 साल की बहन के साथ मां की लाश को रखा। हत्या की वजह मोबाइल गेम पबजी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पबजी न खेलने देने से नाराज किशोर ने मां को 6 गोलियां दाग दी। मर्डर के बाद पार्टी भी की। हालांकि पुलिस पूछताछ में मर्डर की एक दूसरी वजह भी सामने आ रही है। आरोपी बेटे के मुताबिक हत्या के पीछे एक तीसरा आदमी है। पुलिस भले ही बेटे की सुनाई कहानी पर भरोसा न कर रही हो, लेकिन उस गुमनाम किरदार की तलाश जरूर कर रही है। खबर में आगे बढ़ने से पहले इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। बेटे ने पुलिस को बताया कि बिजली विभाग में तैनात आकाश नाम का व्यक्ति अक्सर उसके घर आता था। वो घर पर रुकता और 1-2 दिन बिताने के बाद जाता था। घर पर इस तरह उसका आना बेटे को पसंद नहीं था। तमाम विरोध के बाद भी माँ ने उसे मिलना बंद नहीं किया, उल्टा उसे ही सताने लगी। किसी न किसी बात का बहाना लेकर मारती पीटती थी। बर्दाश्त की सीमा पार हुई तो उसने माँ की हत्या कर दी। पुलिस अब आकाश नाम के शख्स का पता लगा रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि आरोपी बेटा बार बार आकाश के नाम पर ही जोर दे रहा है, इसलिए इसे वेरीफाई करना जरूरी है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें। अप में पबजी के लिए माँ की हत्या, मर्डर के बाद बेटे ने की अंडा करी की पार्टी, लाश की बदबू छिपाने को डाला रूम फ्रेशनर। पिता फौज में अफसर हैं, पर बंगाल में तैनात है। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के PGI इलाके की यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहाँ उनकी पत्नी साधना 40 साल अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने माँ की हत्या कर दी है। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तुरंत अपने घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर के हालात देखकर दंग रह गई। लाश की बदबू न आए, इसलिए रूम फ्रेशनर डाला। इस मामले में जो शुरुआती बात सामने आई है उसमें पबजी न खेलने देने से नाराज बेटे ने माँ की गोली मारकर हत्या की है। 3 दिनों तक उसने घर में ही माँ की लाश को छुपाए रखा। हत्या के बाद उसी रात को बेटे ने 10 साल की बहन के साथ घर में रात गुजारी। दूसरे दिन यानी रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्त के घर गया। रात में दोस्त को साथ लेकर आया और ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद लैपटॉप पर मूवी देखी। स्लाइड भी जांच के लिए भेजी जाएगी। उधर शव के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। इसमें 2 पुरुष 1 महिला डॉक्टर हैं। गोली शरीर में कहां लगी और उसे कितनी हड्डियां टूटी हैं, इसका पता लगाने के लिए पहले शव का पहले एक्सरे कराया गया है। एक्सरे की परमिशन CMO से मिल चुकी है। शव का हुलिया देखकर डॉक्टरों ने काफी देर तक आपस में राय मशविरा किया। इसके बाद तय हुआ कि स्लाइड भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजी जाएगी। आमतौर पर यह टेस्ट रेप के मामले में कराया जाता है। परिजनों का कहना है कि शव इतना सड़ चुका है कि पैतृक निवास बनारस ले जाना मुश्किल है, इसलिए दाह संस्कार लखनऊ में ही बैकुंठ धाम में करेंगे।